हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि आज लक्ष्य पेरिस में ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंच गया है और हमारे ही नहीं सारे उत्तराखंड के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व है। शुरू से ही वो बहुत लगन वाला था और आज उसने दिखा दिया कि मेरी लगन से मैं कहां से कहां पहुंच सकता हूं। और बाकी तो अब देखिए फाइनल में क्या सेमीफाइनल में क्या होता है और आगे जाके गोल्ड ला, हम तो ये सोचते हैं कि वो गोल्ड लाए। हमें हर्ष है और बहुत गर्व भी है कि हमारा बच्चा जो अल्मोड़े से खेला और फिर अब आज ओलंपिक में जाके अपना नाम कमाया उसने और पहली बार मेंस में वो उसमें पहुंचा, सेमीफाइनल में पहुंचा। और हमें आशा है कि आगे भी हो, आगे हम तो यही सोचते हैं कि गोल्ड लाए हो। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लक्ष्य सेन जो है कि बदेश्वर वार्ड में ही निवास करते हैं, उनका निवास यहीं पर सुनारी नौला पर है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो बदेश्वर वार्ड के निवासी हैं और उनका जो ओलंपिक में प्रदर्शन रहा बैडमिंटन में बहुत शानदार रहा। सभी खेल प्रेमियों में काफ़ी उत्साह है, उनने क्वार्टर फाइनल जीत के अभी सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मैं उनको आगे के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ और उनके दादाजी पहले से वो बैडमिंटन से उनको भी बहुत लगाव था, वो यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते थे, तभी से लक्ष्य सेन अपने दादाजी के साथ बैडमिंटन सीखने के लिए जाया करते थे और उनके पिताजी डीके सेन जी भी वो भी बैडमिंटन के यहाँ पर कोच भी रहे और वो भी ट्रेनिंग देते थे। तो लक्ष्य हमेशा से बैडमिंटन के प्रति उसके मन में एक बहुत इच्छाएं थी और मतलब खेल जुनून था उसके अंदर और आज उसने पूरे देश का गर्व से सीना चौड़ा किया है, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले मैचों के लिए भी उन्हें मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। किस तरह का माहौल है अल्मोड़ा में? खुशी का माहौल है, जाहिर सी बात है कि इतना बड़े गर्व का विषय है हम सभी लोगों के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व में उसने एक भारत की पहचान बनाई और एक बैडमिंटन के खिलाड़ी के रूप में अपनी स्वयं की एक पहचान है उनकी। तो आज जाहिर सी बात है कि अल्मोड़ा में खेल प्रेमी काफ़ी उत्साहित हैं और पूरे देश में गर्व का माहौल बना हुआ है।